लिफ्ट की लाइट भी नहीं चल रही। गाइज आपको हमारा चेहरा भी नहीं दिख रहा होगा, मैं और गोलू लिफ्ट में फंस चुके हैं बुरी तरह। गोलू हाय करिए बेटा। नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, डर लग रहा है। हमने हालांकि बेल दबा दी है, हम फोर्थ फ्लोर पर अटके थे, अभी हम ग्राउंड के बिल्कुल नीचे हैं, मतलब ग्राउंड के ऊपर हैं हम। तो हम मेरे साथ पहली बार हुआ है, आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा भाई साहब, इतना अंधेरा हो रहा है। ये देखो दीदी, हाँ ये चेहरा, ये बाहर की लाइट दिख रही है। भाई लिफ्ट में फंस चुके हैं भयंकर तरीके से, बहुत डर लग रहा है। और शुक्र है मेरे साथ गोलू, अगर गोलू नहीं होती ना तो मेरी हालत हो जाती। लाइट आ गई, खोली थी मैंने भाई, क्या लग रहा है अभी दिखाती मैं। ये देखो हम कहाँ अटके हुए हैं, वो बच गए शायद फाइनली। काशिल काशिल आज मारो, काशिल आज मारो, मेरे टाइम में सो चुका है लिटरली 20 मिनट। कौन सा फ्लोर है ये, ग्राउंड ये? हाँ तो क्या हो गया, मैं सोच रही थी ग्राउंड फ्लोर है भाई साहब। ये लिफ्ट से अच्छा ना इंसान पैदल आ जाए तो भाग, अभी यहाँ से भागो भागो भागो, नहीं जाना लिफ्ट में। सेकंड फ्लोर पे भैया क्या हुआ आज ड्रामा हमारे साथ, समझ नहीं आया भाई साहब। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हो जाता है ना लिफ्ट के साथ। ये देख लो कैसे कर रही है, मतलब ये चलाई है ना, उन्हें चल नहीं रही है, ये किसी तरीके से चलाई है ताकि हमें, हम जैसे अवतारों को निकाल सके लिफ्ट से बाहर, ठीक है ना। कहाँ जा रहे हैं हम अभी? हम जा रहे हैं मार्केट। क्या करने जा रही है बता, क्या? वैभव लिफ्ट से आ रहा था और वो भी लिफ्ट में फंस गया था, तो वैभव इतनी बुरी तरह चिल्लाया कि मेरे 6 फ्लोर तक मुझे आवाज आई और मैं भागी भागी गई। मैं ही नहीं, काफी सारे लोग बिल्डिंग के भाग कर गए कि क्या हुआ है, तो पता चला कि बच्चा लिफ्ट में फंस गया था। तब लिफ्ट खोल दी गई और वैभव इतना डर गया था कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन जब वो घर में आया मैंने उसे बहुत डांटा कि ऐसे नहीं चिल्लाते हैं, लेकिन आज लिफ्ट में फंसने के बाद मैं उसका दुख दर्द समझ गई। भाई सडनली जब लिफ्ट रुकती है ना तो कुछ होता है, डर लगता है। तो वो वैभव के साथ जो हुआ था इट वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल। मुझे अभी रिग्रेट हुआ कि मैंने वैभव को क्यों डांटा। एनीवेज आज है मेरा मंडे का व्रत, मैं बाहर से आई, मैंने हाथ मुंह धोए अच्छे से और मुझे बनाना है भगवान जी के लिए भोग, जिसके लिए मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम घी चढ़ाया है कढ़ाई में, 1/4 कप लगा लीजिए घी होगा, घी बस मेल्टेड फॉर्म में नहीं था। अब मैंने इसमें डाला है 5 टेबल स्पून सूजी, तो मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, मैं हलवा बना रही हूँ। आप मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं, आधा कप सूजी, आधा कप घी और आधा कप चीनी, परफेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है जी। लेकिन हाँ जब आप बनाते रहते हैं रेगुलरली तो अंदाजा भी लग जाता है। तो मैं कैसे बनाती हूँ देखिए, मैंने तो नाप वाप के कुछ लिया ही नहीं है, घी ऐसे डाल दिया और सूजी भी मैंने आपने देखा डब्बे के ढक्कन से डाल दी। तो बेसिकली जब आप सूजी भूनते हैं ना तो इसी तरीके से भुनना चाहिए जैसा आप अभी देख रहे हैं, थोड़ा लिक्विडी सा होना चाहिए। आई नो कुछ लोग बोलते हैं बहुत घी डालती हूँ मैं हलवे में, लेकिन हलवा है कोई कुछ और चीज़ नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। रेसिपी की एक डिमांड होती है, उसी के अनुसार बनना चाहिए। मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पर मीठा पानी बनाने के लिए, चाशनी नहीं होती है ये, मीठा पानी होता है, जिसके लिए मैंने 250 ml पानी लिया है, एक छोटे वाली गिलासी बोलते हैं हमारे यहाँ वो भर के, और मैंने अंदाजे से उसमें चीनी डाल दी है आधा कप से थोड़ा सा कम, जितनी सूजी थी उतना ही मैंने मीठा डाला है। और यह है चिरौंजी, आपने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के हलवे खाए होंगे, चिरौंजी और सूजी के हलवे का कॉम्बिनेशन माइंड ब्लोइंग है, ट्राई करना। तो जब आपकी सूजी 95% भुन जाए तब आप ये जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं वो इसमें ऐड करिए, एक साथ दो काम हो जाएंगे, सूजी भी भुन जाएगी ड्राई फ्रूट्स भी भुन जाएंगे, अलग से नहीं भूनना है। और जब ये मीठा पानी एक बार उबल जाए तब 95% भुनने के बाद सूजी के, तब ये पानी इसमें ऐड करिए और ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। मैंने पानी में ही किशमिश डाल दिया था, हलवे में किशमिश का स्वाद बहुत शानदार आता है। जब भी सूजी का हलवा बनाते हैं ढककर पकाना है तभी दाना फूलेगा। ये देखिए कितने अच्छे से फूल चुकी है, और हलवा बनाते हुए इस तरीके से घी छूटना चाहिए। देखिए कभी कभी हलवा बनता है, इसलिए मेक श्योर कि कंजूसी ना करें आप। हेल्थ वाइज कुछ नहीं होता यार, कोई ज़्यादा नहीं खाता है, 2-2 चम्मच ही खाते हैं। क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं कितनी है, और हम 5 जने हैं तो 2-2 चम्मच ही हमारे हिस्से में आएगा। इट्स ओके, कभी कभी खाया जा सकता है। हलवा बनकर तैयार है, गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और थोड़ी देर के बाद ही इस तरीके का हो जाएगा। रसीला हलवा रहता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, जमता नहीं है। कई बार आप देखते होंगे कि सूजी का हलवा रखे रखे हार्ड हो जाता है, तो ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें घी की कमी नहीं है, प्लस हमने जो चीनी का पानी डाला है वो भी इनफ क्वांटिटी में था। तो मैंने थोड़ा सा सूखा नारियल भी इस पे घिस के डाला है, एंड लुक एट द टेक्सचर ऑफ दिस हलवा,
कितना शानदार बनना है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो भोग का प्रसाद तैयार है, अब आती है मेरे पूजा पाठ करने की बारी। तो मैं अब नहाऊंगी धोऊंगी और उसके बाद पूजा पाठ करूंगी। तो कई सारे लोग के कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोस के नीचे कि मैं वनडे का व्रत क्यों रखती हूँ। बस ऐसे ही रखती हूँ, कुछ स्पेशल वो नहीं है कि इंटेंशन है कुछ। अब जैसे मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, वो लोग बोलते हैं मुझे कि तू वनडे का व्रत क्यों रखती है, तुझे तो मिल गए भोले भोले बाबा मतलब मेरे हस्बैंड। तो मैं शादी से पहले 4.5 साल 5 साल व्रत करी थी लगातार सोमवार के, और इसलिए मुझे लोग कहते हैं कि इसलिए तुझे इतना अच्छा पति मिला है। अब पता नहीं भगवान, मुझे नहीं पता क्या कारण है, पर हाँ वास्तव में ही मेरे हस्बैंड जैसा शायद कोई हो नहीं सकता, वो इतने अच्छे हैं। अब मैं अपने मुंह से क्या ही बड़ाई करूं, मैं जानती हूं हर किसी को यही लगता है कि भाई उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और सबको लगना भी चाहिए, बट मैं मेरी लाइफ में कहाँ से शुरू की थी और आज मैं क्या हूँ, उनकी मेहनत है। मैं ऐसा नहीं कि मेहनत मैंने नहीं करी, हम दोनों ने करी है, लेकिन आज भगवान की दुआ से और जो भी है, पता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, पर सब कुछ बहुत अच्छा है। तो शाम को जब मैं पूजा करती हूँ, हर दिन पूजा ऐसे ही करती हूँ, नहा धोकर, बिना नहाए धोए मेरे घर में पूजा नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो तब मेरे बच्चे करते हैं, वो भी नहा धोकर ही करते हैं, ये मैंने नियम बना रखा है। तो शाम को दिया लगाया मैंने अंदर, पूजा पाठ करी, भोग लगाया, तुलसी जी का दिया लगाया, और तुलसी जी मेरी बालकनी में है, हवा आती है बहुत तेज, तो दिया कई बार बढ़ जाता है, इसलिए मैंने एक नया कद्दूकस लिया था और मैं इसे दिया इसके अंदर रख देती हूँ, तो फिर मेरा दिया बढ़ता नहीं है। ये शाम का समय है जब बच्चे पार्क वगैरह गए हैं, तो बस बच्चे ही आने वाले हैं, तीनों बच्चे फिलहाल बाहर हैं। मैं अपने घर के काम कर रही थी, नहा धो के पूजा पाठ कर रही थी, साथ में खाने की तैयारी भी करूंगी। और ये है मेरे यहाँ का एरिया जहाँ पर मैं रहती हूँ, ग्रीनरी बहुत है, लेकिन बगल में जो ये HPCL है, ओ माई गॉड, इसकी वजह से मेरी लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम में है अभी। और ये है मेरा अरोमा डिफ्यूजर जो मैं हमेशा शाम को अपने घर में जलाती हूँ, इसमें मैं फ्रेग्रेंस डालती हूँ, खुशबू बहुत अच्छी आती है, घर का माहौल पॉजिटिव रहता है, और शाम तक घर आते आते ऐसा हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना।